रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्लास 12 का टॉपिक है, प्रतिबंधन एंजाइम इसका हिंदी में नाम है, और रिस्ट्रिक्शन एंजाइम बायोलॉजी में रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की भूमिका क्या है इसके बारे में जानिए। तो 1963 ईस्वी का यहाँ पर जानकारी मिलेगी, 1963 ईस्वी से। तो 1963 ईस्वी में हुई का कि 1963 ईस्वी में एक किरण का सहारा लिया गया, तो 1963 ईस्वी में एक किरण का सहारा लेकर के और एक प्रकार को सेल का अध्ययन किया गया। तो 1963 ईस्वी में एक किरण की सहारा मिला और एक किरण के माध्यम से एक सेल का अध्ययन की गई, और उस सेल का नाम है ई कोलाई बैक्टीरिया सेल। तो ई कोलाई बैक्टीरिया का एक और नाम है एस्त्रिशिया कोलाई बैक्टीरिया। तो एस्त्रिशिया कोलाई बैक्टीरिया की जानकारी कब हुई? 1963 ईस्वी में। एस्त्रिशिया कोलाई बैक्टीरिया को जब अध्ययन किया गया, तो एस्त्रिशिया कोलाई बैक्टीरिया को अध्ययन करने पर यहाँ से दो प्रकार के एंजाइम निकला, सीखते चलना है। पहला एंजाइम जिसका नाम है लाइगेज एंजाइम, तो पहला एंजाइम जिसका नाम है लाइगेज एंजाइम, जो देखिए यहाँ इसका फंक्शन क्या है, तो डीएनए को जोड़ना इसका काम है। कुछ ही देर के बाद बताएंगे कि डीएनए क्या है। तो लाइगेज एंजाइम जिसके द्वारा डीएनए को जोड़ा जाता है, और दूसरा है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, इसे इसी को पढ़ना भी है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को। तो दूसरा है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करता है? डीएनए को काटता है। तो देखिए एक जोड़ने वाला और एक काटने वाला, कारीगर से आप समझ सकते हैं, सिलने वाले काटने वाले कारीगर जो होते हैं, अच्छा से पता होगा कि जो कारीगर होते हैं उनके पास काटने का भी औजार होता है और उसको जोड़ने का भी औजार होता है ना। तो उसी तरह से इस रिशिया कोलाई बैक्टीरिया, जो ई कोलाई बैक्टीरिया है, इसके पास जोड़ने का भी एंजाइम है और काटने का भी एंजाइम इसके पास है, दोनों प्रकार के इसमें एंजाइम मौजूद है। अब इधर देखिए कि होता क्या है कि जब डीएनए, जो डीएनए यहाँ देख रहे हैं जिसमें नाइट्रोजनी क्षार है, एडिनिन बराबर थायमिन, गुआनिन बराबर साइटोसिन, अगले क्लास में इसको बता देंगे कि कैसे इसको एडिनिन को लिख पाएंगे। तो ए से एडिनिन और टी से थायमिन, जी से गुआनिन और सी से साइटोसिन। एडिनिन बराबर थायमिन, गुआनिन बराबर साइटोसिन, जब इसकी श्रृंखला लंबी होती चली जाती है तो जो डीएनए होता है वह डीएनए गोलाकार हो जाता है। देखिए यह डीएनए है और यह डीएनए का स्ट्रक्चर है, तो डीएनए का यह लंबा जो स्ट्रक्चर है वह गोलाकार हो जाता है। तो डीएनए में क्या होता है? एडिनिन थायमिन ग्वानिन साइटोसिन, और इसकी लंबी श्रृंखला जब और डेवलप कर जाता है तो इसकी आकार गोलाकार हो जाता है। तो डीएनए का आकार जब गोलाकार हो जाता है तो गोलाकार क्रम में क्या हो जाता है कि नाइट्रोजनी क्षार इस क्रम में आ जाएगा। किस क्रम में? इस क्रम में, ग्वानिन एडिनिन एडिनिन थायमिन थायमिन साइटोसिन, फिर दूसरे श्रृंखला, क्योंकि इसमें क्या है देखिए डाई है ना, द्विकुंडली है, तो एक कुंडली में इस तरह करेगा तो दूसरे कुंडली में जी ए ए टी टी सी। होता क्या है कि आप इस संरचना में देखिए, देख रहे होंगे तो एडिनिन बराबर थायमिन है ना कि एडिनिन बराबर ग्वानिन है, तो जहां भी ए और जी मिलेगा एक साथ वह उचित तो नहीं होगा, उसको तो काटना पड़ेगा ना, क्योंकि ए और जी एक साथ नहीं रहता। तो जी और ए जहां अनुक्रम मिलेगा वहीं पर देखिए एरो का चिन्ह लगा हुआ है, जी और ए के बीच, जी और ए के बीच। तो ये जो एरो का चिन्ह लगा हुआ है ना, यही एरो का चिन्ह का मतलब है काट देना, और काट दी जाएगी तो दोनों सिरा इसका स्वतंत्र हो जाएगा, यानी रस्सी को खोल देंगे तो दोनों मुख खुल जाएगा। उसी तरह से एक जी और ए के बीच यदि कोई काटने वाला एंजाइम होगा और दोनों सिरा स्वतंत्र होगा तो उसी एंजाइम का नाम रखना है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। क्या नाम रखना है? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ग्वानिन और एडिनिन के बीच कार्य किया और ग्वानिन एडिनिन को काटकर दोनों सिरा को स्वतंत्र कर दिया। अब जब स्वतंत्र हो जाता है तो जो इसमें से बेहतर गुण का जो बेस होता है, जो बेहतर गुण का इसमें जो नाइट्रोजनी क्षार होता है, उसे साधारण गुण वाले डीएनए के साथ जोड़ा जाता है, यानी डीएनए को काटा गया
और काट करके जो बेहतर गुण वाला डीएनए आया उस डीएनए को साधारण गुण वाले के साथ जोड़ा जाता है, तो जहां जोड़ा जाता है उस ग्रुप का नाम है मिथाइल ग्रुप। तो डीएनए सर ऑब्जेक्टिव में भी काम आएगा, डीएनए को जिस जगह पर जोड़ा जाए उस जगह का नाम होता है प्लाज्मिड, याद रखना है, जहां पर डीएनए को जोड़ा जाए उसका नाम होता है प्लाज्मिड, और इससे जो ग्रुप का नाम रखेंगे तो इससे जो ग्रुप का नाम रखेंगे उस ग्रुप का नाम होगा मिथाइल ग्रुप। तो डीएनए को लाइगेज एंजाइम, आप देखिए यहाँ लाइगेज एंजाइम, तो डीएनए को लाइगेज एंजाइम जोड़ता है, तो डीएनए को लाइगेज एंजाइम किससे जोड़ता है, मिथाइल ग्रुप से जोड़ता है, और कहाँ जोड़ता है तो उसके प्लाज्मिड के पास जोड़ता है। तो ऑब्जेक्टिव ही क्लियर हो जाएगा कि लाइगेज एंजाइम डीएनए को कहाँ जोड़ता है, मिथाइल ग्रुप से, और किस स्थल पर जोड़ता है, प्लाज्मिड पर। यह प्लाज्मिड क्या होता है, साइट्स होता है, साइट्स मतलब क्या होता है, अस्थल। तो अस्थल का नाम हो गया प्लाज्मिड और ग्रुप का नाम हो गया मिथाइल ग्रुप। और इस कार्य में डीएनए को काटने में जो एंजाइम कार्य किया उसी एंजाइम का नाम है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। क्लियर हुआ, इतना टॉपिक के साथ, आगे भी आप बने रहिएगा। धन्यवाद।